नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। यह जो ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली के बीच में हफ्ते में दो दिन चलती है। मुंबई से हर सोमवार और शुक्रवार को ये ट्रेन जो है रात के 11:10 पे एक या दो नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16:45 बाद ये ट्रेन जो अगले दिन दोपहर के 3:55 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 5 स्टेशन हैं। 1386 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 83 किलोमीटर पर आवर है। दुरंतो टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC इकॉनमी और सेकंड सीटिंग का इसमें एक कोच भी है। अगर बात करें टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट AC का जो मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली तक का किराया है वो है 5,055 रुपये, जिसमें 4146 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है। सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है। GST चार्ज 214 रुपये है। कैटरिंग चार्ज 560 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड AC के तकरीबन 3 कोच हैं, जिसका टिकट किराया जो है अभी का बनता है वो है 4,065 रुपये, जिसमें 2,423 रुपये बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है। सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है। GST चार्ज 175 रुपये है। कैटरिंग चार्ज 400 रुपये है और डायनेमिक फेयर जो है वो 900 रुपये है। डायनेमिक फेयर जो है वो बुकिंग के दौरान बढ़ सकता है, जैसे जैसे बुकिंग क्लोज होती रहती है वैसे वैसे बढ़ता रहता है। तो थर्ड AC का जो किराया है वो है 2,960 रुपये, इसमें 672 रुपये तो डायनेमिक फेयर है, बाकी बेस फेयर, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज, GST चार्ज और कैटरिंग चार्ज भी शामिल है। इसके अलावा AC इकॉनमी के भी तकरीबन 4 कोच इसमें हैं, जिसका किराया है 2,770 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 1,551 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 113 रुपये है, कैटरिंग चार्ज 400 रुपये है, डायनेमिक प्राइस 621 रुपये है। बाकी एक कोच इसमें सेकंड सेटिंग का भी है, जिसमें कोई कैटरिंग चार्ज तो नहीं जोड़ा जाता, जिसका टोटल टिकट किराया अभी है 630 रुपये, बेस फेयर है 427 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 15 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 15 रुपये और डायनेमिक फेयर है 171 रुपये। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सेकंड सीटिंग के अलावा बाकी सभी कोचेस में जो है कैटरिंग की सुविधा जो है दी जाती है, आपके फेयर में ही इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप चाहें तो ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते कैटरिंग तो ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से हर सोमवार और शुक्रवार को रात को 11:10 पे एक या दो नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16:45 बाद नई दिल्ली में अगले दिन दोपहर के 3:55 पे पहुंचती है। इसका जो दूसरा स्टेशन है वो है गुजरात का वडोदरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 3:24 पे पहुंचती है और 3:34 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 392 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद रतलाम जंक्शन मध्य प्रदेश में ये ट्रेन जो है सुबह 7 बजे पहुंचती है और 7:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 654 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। कोटा जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 10 बजे पहुंचती है और 10:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 920 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन नई दिल्ली में दोपहर के 3:55 पे पहुंचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो यात्रा है ये 1385 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।